Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल जो कि रिलीज हुई थी 22 फरवरी को, दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म कॉमेडी जॉनर की फिल्म थी जो कि सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। आपको बता दें कि इसकी स्टार कास्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है। इसके अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, बोमन ईरानी और अजय देवगन जैसे कई बड़े कलाकार नजर आए। और आपको बता दें कि सभी को इसके कॉमेडी टाइमिंग और पंचेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों आपको बता दें कि आज इसके 25वें दिन के कलेक्शन लेकर आ गए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि इसको लगे हुए 25 डेज हो चुके हैं और इस फिल्म ने अपने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बता दें कि आज संडे है और संडे को इसके कलेक्शन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। दोस्तों आपको बता दें इसने अपने पहले दिन 16.4 करोड़ रुपये की कमाई की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा दमदार थी। और आपको बता दें कि कल यानी कि सैटरडे को इसने कमाए 1.5 करोड़ रुपए। और आपको बता दें दोस्तों कि संडे को इसका कलेक्शन रहा 2.7 करोड़ रुपए। तो ऐसे ही इसने अपने 150 करोड़ के आंकड़े में हिस्सा ले लिया है। जी हां दोस्तों, ये 150 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है और अजय देवगन की ये फिल्म टॉप 30 ग्रॉसर्स में भी आ गई है। आपको बता दें दोस्तों कि अजय देवगन अब अपनी दमदार फिल्म दे दे प्यार दे, तानाजी द अनसंग वॉरियर लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है इन बाकी फिल्मों का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन को ताकि आपको मिले बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स।